चैप्टर वन इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस में आज का हमारा टॉपिक है फॉरेन ट्रेड। फॉरेन ट्रेड ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस पढ़ेंगे हम, उसके पहले पढ़ेंगे फॉरेन ट्रेड होता क्या है। फॉरेन ट्रेड विदेशी व्यापार। फॉरेन ट्रेड इज द एक्सचेंज ऑफ कैपिटल गुड्स एंड सर्विसेज अक्रॉस इंटरनेशनल बॉर्डर्स और टेरिटरीज। फॉरेन ट्रेड वो होता है जब किसी कैपिटल का, पूंजी का, गुड्स वस्तु का, सर्विसेज सेवाओं का क्या होता है, एक्सचेंज होता है, आदान प्रदान होता है। कहाँ पर? इंटरनेशनल बॉर्डर्स पर, अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर्स पर या टेरिटरीज में, मतलब विदेशों में गुड्स सर्विसेज और कैपिटल एक्सचेंज होती है इंटरनेशनल बॉर्डर्स पर या फिर विदेशों में, उसे हम कहते हैं फॉरेन ट्रेड। अब फॉरेन ट्रेड ये तो डेफिनेशन हो गई, मीनिंग हो गई फॉरेन ट्रेड होता क्या है। इसके बाद हम पढ़ेंगे जो फॉरेन ट्रेड इंडिपेंडेंस के पहले कैसा था, जब हमारे पर कॉलोनी ब्रिटिश का रूल था, एट दैट टाइम फॉरेन ट्रेड कैसा था। इंडियाज फॉरेन ट्रेड गोज बैक टू एंशियंट टाइम्स। इट यूज टू बी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग कंट्री। इंडिया का जो फॉरेन ट्रेड था वो क्या हो गया, एंशियंट टाइम में नीचे की तरफ चलेगा, डिक्रीज हो गया, डिक्लाइन हो गया। पहले जब हमारा फॉरेन ट्रेड था वो क्या था, काफ़ी महत्वपूर्ण था। किस रूप में? ट्रेडिंग के रूप में, व्यापार के रूप में। और जब जैसे ही कॉलोनियल रूल आया, कॉलोनियल पीरियड आया, तो इंडिया का जो फॉरेन ट्रेड था वो क्या हो गया, ब्रिटिश के द्वारा, ब्रिटेन के द्वारा क्या हो गया, रेस्ट्रिक्टेड हो गया। मतलब उसमें काफ़ी रोक लगाने स्टार्ट हो गई। इंडिया वॉज अलाउड टू ट्रेड विथ ओनली फ्यू नेबर कंट्रीज। स्टिल देयर वॉज द जनरेशन टू लार्ज एक्सपोर्ट सरप्लस। और इंडिया को सिर्फ क्या था, यही रेस्ट्रिक्शन ये कर दिया गया था कि उन्हें सिर्फ ये परमिशन ये अलाउ किया गया था कि उन्हें व्यापार सिर्फ कुछ ही नेबर कंट्रीज के साथ व्यापार करने की अनुमति दी गई थी। फॉरेन ट्रेड ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस में कुछ पॉइंट्स हैं जिसे हम डिटेल में पढ़ेंगे। फर्स्ट है रेस्ट्रिक्टिव पॉलिसी। जो ब्रिटिश है, ब्रिटेन ने हमारे ऊपर क्या लगाती थी, कुछ रेस्ट्रिक्टिव पॉलिसी अपना दी थी। इन एंशियंट टाइम फॉरेन ट्रेड ऑफ इंडिया वॉज फ्लोरिशिंग ऑल ओवर द वर्ल्ड। जो इंडिया का फॉरेन ट्रेड था, व्यापार था, वो प्राचीन काल में पूरे वर्ल्ड में फैला हुआ था। बट द ब्रिटिश गवर्नमेंट पॉलिसी वॉज रिग्रेसिव एंड रेस्ट्रिक्टिव विच एडसवी अफेक्टेड द स्ट्रक्चर, कंपोजिशन एंड वॉल्यूम ऑफ इंडियाज फॉरेन ट्रेड। बट जैसे ही ब्रिटिश गवर्नमेंट ने पॉलिसी अपनाई गई, और वो कैसी पॉलिसी थी, हमारे व्यापार के ऊपर, फॉरेन ट्रेड के ऊपर काफ़ी उन्होंने रोक लगा दी थी, और इसका परिणाम ये रहा कि इंडिया का जो फॉरेन ट्रेड था वो क्या हो गया था, फिर डिक्लाइन होने लग गया था। किसकी वजह से? रेस्ट्रिक्टिव पॉलिसी की वजह से। रेस्ट्रिक्टिव पॉलिसी, अभी पहले मैंने अभी आपको बताया था रेस्ट्रिक्टिव पॉलिसी क्या थी, कि फॉरेन ने ये हमारे ऊपर, ब्रिटेन ने ये पॉलिसी अपना दी गई थी, रेस्ट्रिक्शन कर दिया गया था कि सिर्फ हमें एक्सपोर्ट कुछ नेबर कंट्रीज़ को ही एक्सपोर्ट करना है, उससे ही हमें क्या करना है, ट्रेड करना है, व्यापार करना है। सेकेंड, एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल एंड इम्पोर्टर ऑफ फिनिश्ड गुड। द ब्रिटिश डिजाइन वॉन्टेड इंडिया टू बी ओनली एन एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट लाइक्स रॉ सिल्क, कॉटन वुल, सुगर, इंडिगो, जूट, ETC। जो फॉरेन ब्रिटिश डिजाइन थी, उनका सिर्फ, ब्रिटिश शासक थे, उनका सिर्फ क्या, वो क्या चाहते थे कि इंडिया सिर्फ क्या करे, किस चीज़ का एक्सपोर्ट आयात करे, रॉ मटेरियल का, कच्चे माल का, जैसे सिल्क, कॉटन, वूल, सुगर, इंडिगो, जूट, ETC का। और इंपोर्ट क्या करें, उन्हीं मैन्युफैक्चर कंज्यूमर गुड्स का, कहाँ से? ब्रिटेन से। जो ब्रिटेन की फैक्ट्री में प्रोड्यूस होते हैं गुड्स, वस्तुएं, उन्हीं का क्या करें, इंपोर्ट करें, जैसे कॉटन, सिल्क एंड वूलन क्लॉथ्स। थर्ड, मोनोपोली। मोनोपोली मतलब होता है एकाधिकार। ब्रिटेन एंजॉयड द मोनोपोलिस्टिक कंट्रोल ओवर इंडियाज फॉरेन ट्रेड, एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट। ब्रिटेन कैप्चर्ड मोर देन 50% फॉरेन ट्रेड ऑफ इंडिया एंड अलाउड द रिमेनिंग विद अदर कंट्रीज, दैट इज चाइना, सेलियन, ईरान, ETC। जो मोनोपोली, एकाधिकार ब्रिटेन ने क्या किया, इंडिया के ऊपर पूरा अपना कंट्रोल कर लिया, एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट के ऊपर। और ब्रिटेन ने 50% से ज़्यादा जो व्यापार था, विदेशी व्यापार था इंडिया का, वो क्या कर लिया, कैप्चर कर लिया। और उन्होंने अलो क्या किया, बाकी जो रिमेनिंग बचा था ट्रेड, 50% से ज़्यादा तो उन्होंने कैप्चर कर लिया, और बाकी जो रिमेनिंग बचा था फॉरेन ट्रेड, तो उसके लिए किसके साथ व्यापार करने के लिए कहा जाता था, चाइना के साथ, सिलियन के साथ और ईरान के साथ। द ओपनिंग ऑफ स्विस कैनल प्रोवाइडेड फॉर द एडवांटेज टू ब्रिटेन टू कंट्रोल ओवर इंडियाज फॉरेन ट्रेड। और फॉरेन ओपनिंग किसकी हुई, स्विस कैनल की, नहर की क्या हुई, ओपनिंग हुई। और लेकिन इसका लाभ किसको मिला, ब्रिटेन को मिला, और ब्रिटेन ने इसकी वजह से और ज़्यादा क्या कर लिया, इंडिया के फॉरेन ट्रेड पर कब्जा कर लिया, कंट्रोल कर लिया। तो अभी हमने ये पढ़े हैं द साइलेंट फीचर्स ऑफ इंडियाज फॉरेन ट्रेड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ ब्रिटिश
ब्रिटेन रिजाइन। अभी हमने पढ़ा है साइलेंट फीचर्स पढ़े हैं किसके, इंडिया के फॉरेन ट्रेड के, किस टाइम पर, जब हमारे ऊपर ब्रिटेन रिजाइन का, ब्रिटेन शासक का क्या था, रूल था।